हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉडल वर्ब के बारे में सीखेंगे। पिछली चार पांच वीडियो से हम मॉडल वर्ब सीखते चले आ रहे हैं। इसमें आपने कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट के बारे में सीखा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुड हैव और वुड हैव के बारे में सीखना है। कुड हैव का इस्तेमाल आप कोई काम पास्ट में, भूतकाल में कर सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं किया, तो इसी को दिखाने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पहुंच सकता था, मैं पास हो सकता था, मैं घर साफ कर सकता था, तो इसी को दिखाने के लिए आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई कुड हैव पास्ड, मैं पास्ट हो सकता था। आई कुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच सकता था। शी कुड हैव मेड फूड, वह खाना बना सकती थी। दे कुड हैव रीच्ड, वो पहुंच सकते थे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। ही कुड नॉट हैव रीच्ड, वो पहुंच सकता नहीं था। She could not have made food. वह खाना नहीं बना सकती थी। इसी तरह से आप अगर क्वेश्चन बनाना है तो could को आगे ले लेना है। Could you have reached? क्या आप पहुंच सकते थे? Could you have passed? क्या आप पास हो सकते थे? याद रखें, आपको वर्ड का थर्ड फॉर्म रखना है। जैसे reach का reached हो जाता है, go का gone हो जाता है, come का come ही रहता है। इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू हैव गोन, क्या आप जा सकते थे? कुड यू नॉट हैव गोन, नेगेटिव बनाने के लिए कुड यू नॉट हैव गोन, क्या आप नहीं जा सकते थे? इसी तरह से आप वुड का इस्तेमाल करना है। वुड का काम होता है कोई काम आपने किया होता, उसी को दिखाने के लिए मैं वहां पहुंचा होता। I would have reached there. मैं वहां पहुंचा होता लेकिन नहीं पहुंचा, पास्ट में काम नहीं कर सके। जैसे she would not have clean house, वह घर साफ नहीं की होती। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। They would not have reached, वह पहुंचे नहीं होते। इसी तरह से she would have prepared for exam, वह एग्जाम की तैयारी नहीं की होती। इसी तरह से आप नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। I would not have reached, मैं पहुंचा नहीं होता। इसी तरह से she would not have played, वह खेली नहीं होती। इसी तरह से आप नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना है। वुड यू हैव रीच्ड, क्या पहुंचे होते? नेगेटिव बनाने के लिए आपको वुड यू नॉट हैव रीच्ड, क्या पहुंचे नहीं होते। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे इफ से सेंटेंस बनाते हैं। इफ कोहली वुड हैव प्लेड, इंडिया कुड हैव वन द मैच, अगर कोहली खेला होता इंडिया मैच जीत सकती थी। लेकिन कोहली नहीं खेले और इंडिया नहीं जीती, तो इसी के लिए आप कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इफ आई वुड हैव कॉट बस ऑन अ टाइम, आई कुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, अगर मुझे बस मिली होती वक्त पर तो मैं वक्त पर ऑफिस पहुंच सकता था, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। तो इसी को बनाने के लिए, इसी को बोलने के लिए आप कुड हैव वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।